मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। मित्रों, मणिपुर की घटना को लेकर मन बहुत व्यथित है और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हों उनके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मणिपुर में सेना को लगा देना चाहिए, क्योंकि वहां की पुलिस फेल हो चुकी है और वहां की सरकार फेल हो चुकी है और सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। और राष्ट्रपति जी, आपसे विशेष अनुरोध है, क्योंकि आप आदिवासी समुदाय से आती हैं, आपको उस सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वह सरकार रहने लायक नहीं है। 2 मई की घटना को आज तक करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया तब वो घटना सामने आ पाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।